हाय एवरीवन, वेलकम टू माइनिंग गुरुकुल। आज के इस वीडियो में हम फुल डीप से रिलेटेड न्यूमेरिकल की बात करेंगे और उसी को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे होता है ये न्यूमेरिकल सॉल्व। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर टेकन इन टू रोडवेज ए बी एंड ए सी इन ए सीम। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे जो है निम्न ऑब्जर्वेशन एक सीम के दो रोडवेज में लिया गया है जो कि ए बी और ए सी है। ठीक है, यहाँ पे रोडवेज की का नाम दिया हुआ है ए बी। ए बी जो है उसकी बियरिंग दी हुई है नॉर्थ 40 डिग्री ईस्ट और उसकी जो इंक्लाइनेशन है वो 1:10 दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे जो सेकेंड रोडवे है वो क्या है, ए सी है और इसका जो बियरिंग दिया हुआ है वो साउथ 60 डिग्री ईस्ट दी हुई है और इसकी जो इंक्लाइनेशन दी हुई है वो 1:12 दिया हुआ है। ठीक है, इसको 1:12 भी बोल सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि कैलकुलेट द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ फुल डिप, मतलब कि यहाँ पे फुल डिप का डायरेक्शन ज्ञात करना है अपन को और उसका अमाउंट मतलब कि रेट निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रॉइंग इसका बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो है वो यहाँ पे है नॉर्थ 40 डिग्री ईस्ट में। तो यहाँ पे क्या करना है, अपन नॉर्थ से 40 डिग्री में ईस्ट के डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करना है। ये मैंने ड्रॉ की, ये हो गया। और फिर से जो सेकेंड रोडवे है वो साउथ 60 डिग्री ईस्ट, मतलब कि ये ईस्ट है ये साउथ है, तो इससे 60 डिग्री ईस्ट पे। ठीक है, तो ये 60 डिग्री ईस्ट पे। ओके, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है एक। ये हो गई सेकेंड रोडवे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब उसकी जो वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू जो है वो 1:10 है और सेकेंड की जो वैल्यू है वो 1:12 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है 10 यूनिट ले लेते हैं, मतलब कि 1 यूनिट इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे बी पॉइंट। ओके, ठीक है, मतलब 1:10, ये हो जाएगा 1:10। और यहाँ पे फिर क्या लेंगे, 6 यूनिट इधर ले लेते हैं, तो मतलब कि वो कितना हो जाएगा, 12। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सी पॉइंट। यहाँ पे ले लेते हैं ए पॉइंट और ये क्या हो जाएगा, 1:12। ओके, तो अगर अपन इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं ये ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपन का लेवल लाइन या फिर स्ट्राइक लाइन। इसको क्या बोलेंगे, स्ट्राइक और लेवल लाइन। ओके, तो यहाँ पे ये है हमारा 40 डिग्री और ये हमारा 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या बन गया, यहाँ पे ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो एक चीज याद रखिए कि अपन को क्या पता है कि स्ट्राइक लाइन के जस्ट 90 डिग्री पे क्या होता है, फुल डिप होता है जस्ट 90 डिग्री पे। ओके, तो स्ट्राइक लाइन अपन को पता है, ये है स्ट्राइक लाइन, तो इसके 90 डिग्री पे अगर हम कोई भी क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, ये अपन क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फुल डिप का डायरेक्शन, फुल डिप हो गया। ठीक है, तो अब इसको अपन को क्या करना है, ड्रॉ कर मतलब कैलकुलेट करना है न्यूमेरिकल के फॉर्म में। ठीक है,
ठीक है, ये तो हमारा इमेजिनरी हो गया कि हाँ इस डायरेक्शन में जो है फुल डीप होगा। तो चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे, देखिए ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी यहाँ पे क्या पता है अपन को कि ये देखिए ये 40 डिग्री दिया हुआ है और ये जो है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर हम एंगल ए की बात करें तो एंगल ए कैसे निकाल सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू क्या कर सकते हैं, ये जो लाइन है ये पूरा है 180 डिग्री, क्या है 180 डिग्री। अगर इसमें से हम 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री को माइनस कर दें तो वो क्या निकल जाएगा, एंगल ए की वैल्यू, मतलब कि क्या हो सकता है 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, 80 डिग्री, ओके ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये एंगल ए की वैल्यू आ गई, पूरी की पूरी एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री, ओके। अपन ये भी जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अपन और क्या कर सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए, अब एंगल ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 80 डिग्री, तो इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 100 डिग्री। किसकी वैल्यू है, ये एंगल बी प्लस सी की वैल्यू है, ओके। तो ये क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ओके। अब यहां से हमको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये जो फॉर्मूला है बाई फॉर्मूला, ये है हमारा tan b माइनस सी बाई टू इक्वल टू बी माइनस सी बी प्लस सी इंटू tan b प्लस सी अपन टू, ओके। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि ये जो b माइनस सी है इसका एंगल जो है अपन को फाइंड आउट करना है, b प्लस सी जो है दिया हुआ है और ये स्मॉल b और स्मॉल c क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो स्मॉल b क्या है, ये जो b, ये वाला जो b है, ये जो b है इसके जस्ट सामने वाला ये वाला जो है ये स्मॉल b है, ये जो c है इसके जस्ट सामने वाला ये स्मॉल c है, ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल b की वैल्यू यहाँ पे है 12 आपकी और स्मॉल c की जो वैल्यू है वो 10, ओके। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा, 10 b माइनस सी बाई टू इक्वल टू b की वैल्यू है 12 और c की वैल्यू है 10, तो 12 माइनस 10 अपन 12 प्लस 10 इंटू 10। अब यहाँ पे एंगल बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री, तो ये 100 डिग्री अपन टू और ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 12 में से 10 माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा और 12 प्लस 10 हो जाएगा 22, ठीक है, मतलब ये कितना हो गया, 11, ठीक है, 1/11 इंटू 10 100 डिग्री बटे 2, ठीक है। यहाँ पे था हमारा 10 b माइनस सी अपन 2 इक्वल टू 1/11 इंटू 10 50 डिग्री, ओके। अब फिर से अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये आ जाएगी अपन की 0.10, ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, 10 b माइनस सी अपॉन 2 की वैल्यू है, ठीक है। क्या करते हैं इसको फिर से, अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन,
ये 10 को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो b माइनस सी अपन 2 इक्वल टू 10 इनवर्स 0.10, तो 0.10 की जो वैल्यू होगी, तो 0.10 की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ये आ रही है आपकी 5 degree 42 minute और 38 second, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, b माइनस सी बाई 2 की, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा, तो b माइनस सी, एंगल b माइनस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 degree 42 minute 38 second into 2। तो इसका मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा b माइनस सी इक्वल टू 11 degree 25 minute और 16 second हो जाएगा। ओके, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था हमारा b प्लस सी इक्वल टू 100 डिग्री, और इक्वेशन 2 क्या है हमारा, b माइनस सी इक्वल टू 11 degree 25 minute 16 second, राइट। तो अगर हम इसको क्या करें, ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2b इक्वल टू, अगर इसको ऐड कर दें तो 111 degree 25 minute और 16 second आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, 2b की वैल्यू है। अब b की वैल्यू निकालना है, तो इसलिए एंगल b इक्वल टू 111 degree 25 minute और 16 second अपन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी, एंगल b इक्वल टू 55 degree 42 minute और 38 second आ जाएगी। तो ये किसकी वैल्यू है, एंगल b की। इट मीन्स ये जो एंगल b है इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये आ गई 55 degree 42 minute और कितनी आ गई 38 second। ओके, ठीक। अब क्या निकालना है अपन को, एंगल c की वैल्यू बची हुई है हमारी, एंगल a मिल चुकी है, एंगल b मिल चुकी है, और एंगल c जो है निकालना है। ओके, तो एंगल c कैसे निकलेगा, एंगल c भी निकाल लेते हैं अपन। तो देखिए एंगल c को निकालना है अपन को, तो इसलिए ट्रायंगल a b c इन ट्रायंगल ए बी सी, तो एंगल c इक्वल टू क्या हो जाए, b प्लस एंगल c इक्वल टू क्या था, 100 डिग्री था इक्वेशन नंबर 1। तो अगर इसमें b की वैल्यू पुट अप कर देते हैं तो एंगल c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 डिग्री माइनस 55 डिग्री 42 मिनट 38 सेकेंड। ओके, ये आ जाएगी एंगल c इक्वल टू कितना आ गया, 44 degree 17 second minute 22 second। ट्रायंगल ABC में हमारी C की वैल्यू भी आ गई है। तो देखिए यहाँ पे एंगल B की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है 55 degree 42 minute और 38 second। अब यहाँ पे ये कितना है, ये जो है 90 डिग्री है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इसको D मान लें, ये D पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, और ये कितना है, 90 डिग्री है। तो देखिए अब आगे, अब अगर अपन को ये वैल्यू चाहिए, ये ट्रायंगल ए बी डी में एंगल ए चाहिए, तो क्या कर सकते हैं अपन, ये 180 डिग्री में से इसको और इसको ऐड करके माइनस कर देंगे। ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में क्या करेंगे कि अगर मेरे को एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना है, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ओके 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर अपन को इसमें एंगल ए की वैल्यू चाहिए तो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी प्लस एंगल डी। ओके तो एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल बी की जो वैल्यू थी वो 55 डिग्री 42 मिनट और 38 सेकेंड थी, और प्लस एंगल डी की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। ओके तो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा अपन का जो है 34 डिग्री 17 मिनट और 22 सेकेंड। ओके तो ये एंगल ए, एंगल ए क्या है यहाँ पे हमारा, ये है ए की वैल्यू, मतलब कि ये क्या है, ये वाला एंगल। ओके ये वाला एंगल, ये किसका एंगल है, फुल डीप का, ये जो है क्या है, फुल डीप है। तो फुल डीप का डायरेक्शन अपन को निकालना है, तो क्या करेंगे, ये नॉर्थ का जो एंगल है ये नॉर्थ 40 डिग्री ईस्ट, ठीक है, ये 40 डिग्री में अगर हम इस एंगल को ऐड कर देते हैं, इट मींस ये जो एंगल है ये कितना है 34 डिग्री 17 मिनट और 22 सेकेंड। ओके तो इसको ऐड कर देते हैं तो ये पूरा फुल डीप का डायरेक्शन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, इसलिए डायरेक्शन ऑफ फुल डीप। ओके तो ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री प्लस 34 डिग्री 17 मिनट और 22 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 74 डिग्री नॉर्थ 74 डिग्री 17 मिनट और 22 सेकेंड ईस्ट। ओके तो ये क्या हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ फुल डीप। ओके अब क्या चाहिए अपन को, अमाउंट ऑफ फुल डीप चाहिए। अमाउंट ऑफ फुल डीप मतलब कि इसकी वैल्यू क्या है, कहाँ तक ये डीप है, ठीक है, रेट, रेट और अमाउंट एक ही होता है, तो इसको अपन को निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा अपन का साइन फॉर्मूले से, तो चलिए निकाल लेते हैं। देन अमाउंट ऑफ फुल डीप, फुल डीप का अमाउंट निकालना है अपन को, तो अमाउंट ऑफ फुल डीप बाय साइन फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे ले लेते हैं, क्या निकालना है अपन को, यहाँ पे निकालना है अपन को एडी, किसको निकालना है, एडी निकालना है, ठीक है। तो एडी निकालना है तो उसके लिए क्या करना है, जिसको निकालना रहता है उसको क्या करते हैं, ऊपर करते हैं। तो एडी अपन कौन सा पता है हमको, एडी के सामने वाला जो एंगल है, एडी ये एडी है, इसके सामने वाला एंगल ये है, तो एडी अपन क्या लिखेंगे, साइन बी इक्वल टू, अब जो पता है उसको एंगल एडी में क्या पता है हमको, ए बी पता है, ठीक है। तो ए बी अपन क्या लिखेंगे, इसके सामने वाला ए बी के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल डी है, तो क्या लिखेंगे, एंगल साइन एंगल डी। ओके तो अब देखिए ए डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी अपन साइन डी इंटू साइन बी लिख सकते हैं। तो ए डी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू अपन की है कितनी, 10, ठीक है, 10 वैल्यू है इसकी, तो 10 इंटू ये साइन डी कितना है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री, और साइन बी कितना है, साइन बी की वैल्यू कितनी है, 55 डिग्री 42 मिनट और 38 सेकेंड। ओके तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो एक होती है, तो क्या हो गया, 10 इंटू साइन 55
डिग्री 42 मिनट और 38 सेकेंड। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 8.26, ठीक है, 8.26। अब इसको अमाउंट के रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसलिए रेट ऑफ फुल डिप ये कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 1:8.26, ठीक है। और ये क्या हो गया, समरी की बात करें आंसर के, समरी क्या हो गया, रेट ऑफ फुल डिप और क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ फुल डिप। तो ये कितना है डायरेक्शन, ये है नॉर्थ 74 डिग्री 17 मिनट और 22 सेकेंड। ओके, तो ये क्या आ गया अपन का, दो चीजें आ गई, ये मिल गया अपन को रेट ऑफ फुल डिप और ये डायरेक्शन ऑफ फुल डिप, मतलब कि इसका जो ये डायरेक्शन है वो कितना है 74 डिग्री, ठीक है, और 17 मिनट और 22 सेकेंड है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये कितनी है, ये है 1 in 8.26, ठीक है। तो ये आपका ये जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है यहाँ पे। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कैलकुलेट किया रेट ऑफ फुल डिप और अमाउंट ऑफ फुल डिप, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फुल डिप यहाँ पे कैलकुलेट किए। तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप से जो भी न्यूमेरिकल रहेंगे वो आपसे बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। और अभी तक